हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीएफ ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। हमें कोई नंबर है हमारे पास, अगर वो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो और कौन कौन से नंबर हैं जो और वो गिवन नंबर से डिविजिबल होंगे, या हमें फाइंड करना है। देखिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, फैक्टर 5 और 12 दोनों के फैक्टर्स हमें फाइंड करने होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर हमारे पास, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम। 5 से डिविजिबल है 1 एंड 5, तो 5 के फैक्टर हमारे पास 1 एंड 5। ऐसे हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। फैक्टर ऑफ 12, 2 से डिविजिबल 6 टाइम, 2 से डिविजिबल अगेन 3 से डिविजिबल 1 टाइम। तो फैक्टर ऑफ 12 1, 2, 3, कॉमा 2 2 4 4 भी होगा, एंड 3 2 6 6 भी होगा, 2 2 4 4 3 12 एंड 12। तो आप डायरेक्टली भी मतलब फाइंड कर सकते हो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, वो गिवन नंबर जो गिवन डिजिट पे गिवन डिजिट से डिविजिबल हो। 12 में 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 3 4 6 एंड ये 12। तो आप डायरेक्टली आप फैक्टर फाइंड कर सकते हो, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए इजी पड़ेगा। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 5 फाइंड कर लिए, फैक्टर्स ऑफ 12 फाइंड कर लिए, दोनों में देखिए कॉमन डिजिट कौन सी, ओनली वन कॉमन डिजिट है। और वन जब कॉमन डिजिट हो तो इसका मतलब गिवन नंबर टॉप रहे होते हैं। अगर बाकी अदर डिजिट कॉमन ना हो, ओनली वन ही हो, तो वो नंबर क्या होते हैं, दोनों टॉप रहे होते हैं। ओनली वन इज कॉमन सो दैट द नंबर्स 5 एंड 12 आर को प्राइम। जब ये दोनों नंबर को प्राइम है तो बाकी के अदर नंबर्स जो इससे डिविजिबल हो वो क्या होगा, इनके प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, बाकी अदर नंबर्स क्या होगा, इनके प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 12 का प्रोडक्ट क्या होगा, 60। 12 5 60, ये 60 होगा। तो इसका मतलब 60 के जो फैक्टर होंगे वो नंबर्स गिवन नंबर से क्या होंगे, डिविजिबल। तो फैक्टर्स ऑफ 60 हम फाइंड कर लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 60। अब 60 के जो फैक्टर होंगे वो सारे नंबर गिवन जो इनके प्रोडक्ट है उससे क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अब 60 के फैक्टर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो, 2 से डिविजिबल है 30 टाइम्स, अगेन 2 से डिविजिबल 15 टाइम्स, 15 3 से डिविजिबल 5 टाइम्स, 5 से डिविजिबल 1 टाइम्स। तो 60 के फैक्टर हमारे पास 1, 2, 3 एंड 5 तो है, गिवन नंबर 1, 2, 3 एंड 5। आप 2 डिजिट के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 2 2 4 एंड 3 2 6 5, और 2 2 4 4 3 12 भी हो सकता है, 2 2 4 4 3 12 4 5 20 एंड 5 3 15 भी हो सकता है, 15 से भी डिविजिबल है, 5 3 15 और 15 2 30, लेकिन 4 5 20 भी आ रहा है हमारे पास, 2 2 4 4 5 20, 5 3 15, 15 2 30, 30 भी आ रहा है हमारे पास। अब 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60 एंड 60 से भी डिविजिबल होता है। तो हमारे पास देखिए प्रोडक्ट हमारे पास 60 है, और 60 के जो फैक्टर है इसका मतलब 1 2 3 5 4 6 12 15 20 30 एंड 60, दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 60। और 60 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हुए, ये सब जो 60 के जो फैक्टर है ये सारे नंबर 60 से डिविजिबल होंगे, दैट इज आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम,
हमें बताने हैं कि कौन कौन से जो ये हमारे पास गिवन नंबर है वो कौन से कोप्राइम नंबर है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कोप्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, गिवन नंबर्स का हम फैक्टर फाइंड करते हैं, अगर ओनली उसमें वन कॉमन हो तो वो गिवन नंबर के होते हैं कोप्राइम। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए इनके फैक्टर हमें फाइंड करना होगी, तो सॉल्यूशन इसका ये पार्ट का देखिए, फैक्टर्स ऑफ 18 18s के फैक्टर हमें करना आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 18 फैक्टर ऑफ 18, 2 से डिविजिबल है 9 टाइम्स 9, 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स 3, 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। तो 18 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, 1 होगा, 2 3 2 एंड 3 भी होगा, फिर दो दो डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 भी होगा एंड 3 3 जा 9 9 भी होगा, 9 से डिविजिबल, फिर 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18 एंड 18 18 से भी डिविजिबल। तो फैक्टर्स ऑफ 18 आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, गिवन डिजिट में कौन कौन से डिजिट का डिवाइड जा रहा है, 1 का भी जाता है 18 में, 2 का भी जाता है 3 का भी, 6 का भी, 9 का भी एंड 18 का भी, एंड अदर वे में आप क्या बोल सकते हो कि 18 किस किस की टेबल में आता है, वो नंबर्स फैक्टर्स होंगे। और आप इजी वे में ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 18 के फैक्टर फाइंड करिए, 35 के भी हम फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो, 35 5 से डिविजिबल है 7 टाइम्स, 7 7 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। तो 35 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हुए, 1 1 5 7 एंड 7 7 5 जा 30। तो 35 के फैक्टर, 35 कौन कौन से डिजिट से डिविजिबल है, 1 से 5 से 7 से एंड 35। अब देखिए दोनों केसों में हमारे पास जो डिजिट कॉमन है ओनली वन कॉमन आता है, तो वी नो दैट जब हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं अगर उनका फैक्टर फाइंड करें ओनली वन कॉमन हो तो वो नंबर्स के होते हैं कोप्राइम। ओनली वन इज कॉमन, वन इज कॉमन, सो दैट